press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. किसी ने बता दिया, आपने पढ़ दिया, आपने कह दिया। केवल मैं सरकार से और आप सब के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की इतने ट्रिलियन इकोनॉमी होनी है तो सरकार और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से कितना इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होना चाहिए जिसकी वजह से $1 trillion इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी 2012 में, उसके तहत उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट हुआ, जो इंडस्ट्री ने इंडस्ट्री लगाई यहां पर उन्हें कंसेशन मिला, उन्हें जो पॉलिसी के तहत सहूलियत मिलनी चाहिए थी वो सहूलियत दी है। हम सरकार से जानना चाहते हैं 2017 के बाद आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है, आप मुझे बताइए कि आपने कितने इंडस्ट्रियल लोगों को वो सहूलियत दी है जो आपकी पॉलिसी के तहत सहूलियत मिलनी चाहिए थी। आप दूसरों के काम अपना काम नहीं कह सकते। एक इन्वेस्टमेंट मीट हुई हो, दूसरी इन्वेस्टमेंट मीट हुई हो, वही चेहरे वही लोग, ऑफ इन्वेस्टमेंट कागज पे तो दिखा रहे हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 2012 के बाद जो पॉलिसी बनी थी उसमें जो कंसेशन मिले थे इंडस्ट्रियल हाउसेस को, क्या 2017 जो आपकी बनी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसके तहत कुछ इंडस्ट्री हाउसेस को आपने कंसेशन दिया है कि नहीं दिया है, इसका जवाब कौन देगा? और फिर नौकरी के आंकड़े आप जैसा चाहते वैसा बोलने लगते, कभी 2 लाख, कभी 1 लाख, कभी 70 लाख। कम से कम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बताएं कि आप कितनी नौकरी और कितने रोजगार देने जा रहे हैं, आप कितनी नौकरी कितने रोजगार। और फिर जब सब सामान आप बाहर से ही खरीद लोगे तो डिफेंस कॉरिडोर में कौन क्या बनाएगा? हमें आपको उलझा दिया 15,000 करोड़ की योजना में, 15,000 करोड़ की योजना होगी ज्यादा से ज्यादा शौचालय की। शौचालय पे बहुत जोर है, पता नहीं सरकार का शौचालय पे क्यों जोर है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि आखिरकार इतना शौचालय पे जोर क्यों है, कितनी बड़ी योजना है 15,000 करोड़। और शौचालय की योजना के बहाने आप भारत का पैसा न जाने कितने देशों से व्यापार कर करके भारत का पैसा भेज रहे हैं। हम सब उलझ गए शौचालय में। आपने C-17 अमेरिका से मंगाने के लिए सौदा कर लिया, आपने अमेरिका से अपाची हेलीकॉप्टर मंगा करके सौदा कर लिया, रफेल का सौदा पहले से ही हो रखा है, इसराइल से न जाने कितना सामान आपने खरीद लिया होगा, रशिया को भी कुछ पैसा दे आए, लाखों करोड़ का डिफेंस की डील इन देशों से कर ली आपने, और पूरे भारत को हमें आपको शौचालय की योजना में फंसा दिया कि शौचालय देखिए हमने कितने शौचालय बनाए हैं, हमने स्वच्छ भारत कितना कर दिया है, हमने गौ सेवा कितनी कर दी है। और जो शौचालय की बात है, हम लखनऊ के आसपास क्यों शौचालय देखें, जरा दूर के शौचालय देखें। सरकार खुद स्वीकार कर रही है, उनकी टीम जो बलिया गई, जितनी शौचालय बनी थी बलिया में, जिस जिले को ODF कर दिया था, सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया कि 1,000 जो गांव थे या मजरे जो मिला करके, उसमें ODF है ही नहीं, फर्जी बन गए शौचालय। तो जब बलिया का ये हाल है, ODF के बाद घोषित कर करके ODF का स्टेटस हटा दिया गया और सरकार के अधिकारी ने खुद हटाया है, तो हमें बताया कि ODF क्या हो गया। तो हमें और आपको उलझा दिया शौचालय के चक्कर में, और सब डिफेंस डील हो गई बाहर में, और जो डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोगों ने एक्सप्रेस वे बनाया, जो साथी उस पर चले होंगे उन्होंने देखा होगा कि एक्सप्रेस वे के किनारे सब चीजें बनी हैं, मंडी बनी है तो बिल्कुल एक्सप्रेस वे के किनारे बनी है, वे साइड एमिनिटीज बनी है तो वह बिल्कुल एक्सप्रेस वे के किनारे बनी है, तालेग्राम और सौरिक के आसपास
फॉरेंसिक लैब बनी है, वो बिल्कुल एक्सप्रेसवे के किनारे बनी है। आगे वाली मंडी मैनपुरी में बिल्कुल एक्सप्रेसवे के किनारे बनी है। जो एमिनिटीज बनी है वो बिल्कुल किनारे बनी है। बाबा रामदेव जी को भी जो जमीन दी गई फूड प्रोसेसिंग के लिए, अब उनका मार्केट इस जमाने में क्या हो रहा होगा, कितना टूथपेस्ट बिक रहा होगा, उनकी कितनी मैगी बिक रही होगी, कितना बिस्किट बिक रहा होगा। जब पार्ले जी का बिस्किट नहीं बिक रहा, जो इतना पुराना था, हर आदमी जानता था क्या होता है पार्ले जी, तो फिर इनका बिस्किट कैसे बिकेगा। तो सोचो वो बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो एक्सप्रेस वे के किनारे चीजें बनाई गई थी। और ये सरकार कह रही है, कंफ्यूज है। किसी इंटरव्यू में पढ़ते हैं कि आगरा से कॉरिडोर जुड़ेगा, जो एक्चुअल अलाइनमेंट है वो पता नहीं कहां से जा रहा है, और जो डिफेंस के लिए जमीन ली जा रही है वो सड़क से 50-50 किलोमीटर दूर ली जा रही है। और ये बात सच है, जो कॉरिडोर बन रहा है, जो जमीन ली जा रही है, जो एक्वायर की जा रही है, वो डिफेंस कॉरिडोर की जो लाइनें खींच रहे हैं उससे न जाने कितनी दूर। और बता रहे हैं कि एक्सप्रेस वे कब तक चालू हो जाएगा, मैं तो सुन नहीं पाया क्योंकि वॉल्यूम नहीं ठीक था और एलईडी भी गड़बड़ थी, मेड इन चाइना थी एलईडी। जो एलईडी चल रही थी पीछे वो मेड इन चाइना थी लगता है, स्वदेशी नारा भी खत्म हो गया, वो भारत की नहीं थी। जो थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी चीज वो बाहर की थी, चीन की थी लगता है। मुझे नहीं पता कि कब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे खत्म होने जा रहा है। सरकार दावा कर रही है, वो कागज लगता गिर गया है मेरा। एक इंटरव्यू में बड़ी मैगजीन में एक्सप्रेस वे के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। एक्सप्रेस वे कहा यह जा रहा है कि समाजवादी लोगों ने कोई जमीन ही नहीं ली थी, शिलान्यास जरूर किया था उन्होंने। चलो कुछ तो स्वीकार किया कि शिलान्यास किया था हमने। स्पेसिफिकेशन क्या होने चाहिए थे, टेक्निकल क्या चीजें रखी गई थी, क्योंकि आपको जानबूझ करके सस्ता दिखाना था। आपने सड़क की क्वालिटी से, सेफ्टी से कंप्रोमाइज कर करके अपने कॉन्ट्रैक्टर को खुश करने के लिए आपने पूरे के पूरे पैरामीटर्स बदले हैं। और जो इंडियन कांग्रेस रोड कहती है कि उसके डिवाइडर जो बीच का है कितने मीटर होना चाहिए, आपने पता नहीं कौन सी चिट्ठी निकाली, कहां पहुंची, किधर से आई, हाँ आपने उसका डिवाइडर भी कम कर दिया। सरकार कह रही है कि 120 मीटर चौड़ा बना रहे हैं। सरकार आपको कोई जानकारी दे रहा है, गलत जानकारी दे रहा है। ये समाजवादी सरकार में ही 120 मीटर जमीन ली गई थी। वो जो जमीन एक्वायर हुई है वो कागज पे है। हम क्या कहें, सरकार क्या कहे, उसमें मत मानिए आप। जो कागज कह रहा है वो तो मानेंगे आप। सरकार कह रही हम 120 मीटर बना रहे हैं, लेकिन कागज ये कहता है कि समाजवादी सरकार में ही 120 मीटर बन रहा था। मुझे ये बताएं कि अभी 100% जमीन ले ली गई है कि नहीं ले ली गई है। हेलो, और जितना भी वे साइड एमिनिटीज थी, पीपीपी पे कौन आएगा? यहां पर कोई पीपीपी पे नहीं आने वाला। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन नहीं रहा, जितने बने हुए प्रोजेक्ट थे वो रुके पड़े हैं, किसान बर्बाद है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। आप किधर उत्तर प्रदेश को ले जा रहे हैं? और फिर जब मैं आपका इंटरव्यू अंग्रेजी में पढ़ता हूं, आपने हिंदी में बोला होगा, एजुकेशन एंड हेल्थ, इन दोनों पैरामीटर में उत्तर प्रदेश न जाने कहां खड़ा हुआ है। हेल्थ के पैरामीटर में हर चीज में पिछड़ गया हमारा प्रदेश, कभी आगे बढ़ रहा था, पीछे हो गया। और फिर किसी पत्रकार साथी ने पूछा कि लैपटॉप स्कीम बड़ी अच्छी थी, जो सवाल लैपटॉप पे पूछा तो जवाब ये आया कि 2012 में थी, हम स्कीम में फेल हो गए थे, स्कीम नहीं अच्छी थी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी देना नहीं चाहते हैं। और लैपटॉप क्यों नहीं देना चाहते हैं वो आपसे बेहतर कौन समझता है, वो बात मैं क्यों दोहराऊं बार बार। और फिर कह रहे हैं कि लैपटॉप सिंबल ऑफ डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बताओ जो लोग डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हों, दुनिया के दूसरे राष्ट्रपतियों की फोटो अपनी उपलब्धि में चिपका रहे हों,
उनसे ये सुने कि लैपटॉप स्कीम फेल हो गई थी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं जानकारी के लिए, किसी गांव में चले जाएं और अगर लैपटॉप है, शौचालय में पानी नहीं आ रहा है लेकिन लैपटॉप आज भी चल रहा होगा, और जब कभी नौजवान खोलता होगा उसमें नेताजी और हम ही दिखाई देते होंगे, कोई दूसरा नहीं दिखाई देता होगा। तो कह रहे हैं कि आप सोचिए कि लैपटॉप इज नॉट ए सिंबल ऑफ डेवलपमेंट। और फिर पत्रकारों के साथ क्या गुजरा है, केवल यही तो कहा है कि नमक और रोटी खा रहे थे बच्चे, ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन बच्चों को क्या खिला रहे हो आप, नमक रोटी। समाजवादी सरकार ने शुरू किया था, हमने शुरू किया था मैंने, कि अक्षय पात्रा की जगह जगह किचन बनेंगी। 10 किचन का बजट था, इन्होंने बजट खत्म कर दिया, कोई अक्षय पात्रा की किचन नहीं बन रही। अब प्रचार के लिए तो जा रहे हैं वहां पर, फोटो खिंचाने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन अक्षय पात्रा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। गोरखपुर में क्या इल्जाम लगा रहे हैं डॉक्टर कफील, जिनको कोर्ट से मदद मिली है, कोर्ट ने कहा है बहाल करो, जांच सरकार की रिपोर्ट में कहा है कि कुछ इनका वो नहीं था। बताओ डॉक्टर कफील के लिए कह रहे हैं इसमें। हम ये कहना चाहते हैं कि 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, वो आप क्यों नहीं चला पाए। आप भूल जाइए गोरखपुर में मेट्रो बनेगी नहीं बनेगी, कम से कम धन्यवाद तो देते कि एम्स के लिए जमीन समाजवादी लोगों ने दी थी, और सबसे कीमती सरकार की जमीन एम्स के लिए उस समय उपलब्ध कराई थी। पटिया हटाने से कोई भूलेगा नहीं। और फिर लायन सफारी के तुलना में अपना जू का बता रहे हैं, जू और लायन सफारी में फर्क ही नहीं पता है। मैं फर्क थोड़ा सा बता दूं, जू में जानवर पिंजड़े में होता है, सफारी में आदमी पिंजड़े में होता है, शायद सरकार को नहीं पता है। जू बना रहे हैं शेर लाने के लिए, शेर आएंगे। मैं उनकी जानकारी ठीक कर दूं, ये जू बनना शुरू हुआ था बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, थोड़ा बहुत काम हो गया था, उसके बाद समाजवादी सरकार आई थी तो गोरखपुर में उसका नाम रखा था अशफाकुल्ला खां गोरखपुर जू, नाम रखा था समाजवादी सरकार में। उसी जू को कह रहे हैं हमारा जू है। और लायन सफारी जो बनी खड़ी है वहां तो धरना भी हुआ है, अभी कुछ पता नहीं है। और जो सड़क बन रही थी फोर लेन, हालांकि मैंने वो सूची दी है कि सरकार उसका श्रेय ले सकती है, गोरखपुर से जो बन रही सड़क देवरिया फोर लेन, देवरिया से जो सलीमपुर बन रही सड़क, उसका श्रेय ले सकते हैं। जब मैं लौट रहा था अपने कार्यक्रम से तो शाम हो गई थी सीतापुर में, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी गिनती ठीक कर लूं कि मुझे गिनती आती है कि नहीं आती है। जैसे ही सीतापुर में घुसा मैंने गाय और सांड गिनना शुरू कर दिया। मैं गिनता रहा, गाड़ी चलती रही और रोशनी पड़ती रही, जितने रोशनी में दिखाई दे रहे थे मैं गिन रहा था। जैसे ही बाईपास में मैं आया सड़क के किनारे, जहां मैं गिनती भूल गया क्योंकि इतना बड़ा झुंड था, कहीं 40 का झुंड, कहीं 50 का, कहीं 60 का, कहीं 70 का। बताओ बजट का इतना पैसा और गाय मां सड़क पे पड़ी है। और फिर बुंदेलखंड का तो भूल जाइए, पहले गाय हटाओ, हॉर्न तो नहीं सुन रहा, गाय हटाओ तब रास्ता क्लियर। लाखों गायों की जान गई है, उसका अगर कोई दोषी है तो इस सरकार दोषी है। जो एक्सीडेंट हो रहा है जानवरों का, जो तार से जो जख्मी हो रहे हैं जानवर, गाय मां, उसका अगर कोई दोषी है तो सरकार दोषी है। और संख्या कितनी है वो सरकार बेहतर बता सकती है कि कितने उनकी जान जा चुकी है और कितना बजट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर जगह विरोध हो रहा है इसका, क्योंकि पिछले जब से शुरू हुई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है क्या, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा लखनऊ में कौन सा वन प्रोडक्ट है। बहुत जानकारी दी प्रेस को कि वन प्रोडक्ट वन इंडस्ट्री पता नहीं, और जीएसटी और नोटबंदी ने बर्बाद कर दिया पूरा व्यापार और कारोबार। कोई कारोबार नहीं चल रहा जिससे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में कुछ चर्चा की जा सके। और फिर दूध के बारे में बहुत चिंता की कि पुरानी सरकार ने सब डेयरी बर्बाद कर दी।
मैं उनकी जानकारी मिला दूं, भोगनीपुर पे 5 लाख लीटर प्रतिदिन की डेयरी लगी है तो समाजवादी सरकार में लगी है। इटावा मैनपुरी फोर लेन पे बाई तरफ मदर डेयरी का 5 लाख लीटर पर डे प्रोक्योरमेंट की डेयरी लगी है तो समाजवादी सरकार में लगी है। लखनऊ में चकगजरिया में जो डेयरी लगी है, अमूल का प्लांट लगा है, वो 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट है उसका। और बीच में मैंने कई बार कहा ये लखनऊ के अमूल प्लांट ने हमारे किसानों का और कामधेनु डेयरी का दूध नहीं लिया। सोचिए बिजनेस कैसा है, बिजनेस मॉडल कैसा होगा कि जो गुजरात से दूध ला करके हमारे अमूल बनाए हुए उसमें जा रहा था। सोचिए दूध आपका प्रोक्योर नहीं हो रहा, गुजरात से दूध आ रहा था ये अमूल प्लांट में, बनारस में लगना था, वो बनारस में कब लगेगा बता दें। और जो कह रहे थे डेयरी डेयरी के लिए न जाने कितना काम समाजवादी सरकार में किया, आज तो गाय भी रो रही हैं, गाय माँ परेशान हैं और भी लोग परेशान हैं, उनके बारे में क्या कहें। टूरिज्म में बहुत दावा करते हैं कि कुंभ मेला, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं बुलाया उन्हें, उसमें समाजवादी सरकार को ही बुलाया था। और कुंभ में शौचालय का अभी पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि रेट क्या था पता नहीं, वो जानकारी आप ज्यादा कलेक्ट कर सकते हो, हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन सुनने में आया है कि कुंभ में शौचालय न जाने कितने बने थे और क्या था उसका हिसाब किताब, वो आप पता कर लेना। टूरिज्म में कहां थे कहां पहुंच गए, लेकिन हम धन्यवाद देंगे सरकार को। जब मैंने सप्लीमेंट्री बजट देखा, उत्तर प्रदेश में टूरिज्म में कहीं पैसा दिया हो ना दिया हो, उत्तर प्रदेश में अयोध्या फैजाबाद में भजन स्थल बन रहा था उसके लिए पैसा दिया हो ना दिया हो, केसी घाट के लिए पैसा दिया हो ना दिया हो, गोवर्धन में जो परिक्रमा बनाई थी समाजवादी सरकार में उसके लिए पैसा दिया हो ना दिया हो, बरसाना के बाईपास की क्लियरेंस लाए हो न लाए हो, राधा रानी टेम्पल के लिए रोप वे के लिए क्लियरेंस सरकार लाई हो न लाई हो, लेकिन समाजवादी सरकार में जो बनाया जा रहा था मुगल म्यूजियम, उसमें सप्लीमेंट्री बजट में खूब पैसा दिया है, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। बहुत बातें हो सकती हैं, इन्वेस्टर मीट का क्या हुआ है आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, एक्सप्रेसवे और क्या हुआ क्या नहीं, ये किताब 100 दिन वहाँ के और 2.5 साल यहाँ के, और 2.5 साल में 2.5 कोसी चले हैं दोनों सरकारों का।